नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आयाम में। अभी तक हमने 5 वीडियोस बनाए हैं और यदि आपने उनको नहीं देखा तो कृपया ज़रूर देखें। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिशन ऑफ मिस्टेक्स या सिद्धों की परंपरा। ट्रेडिशन ऑफ मिस्टेक्स की पहली कड़ी में हम बात करेंगे महर्षि मातंग या महावतार बाबा की। इनके बारे में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने यह दावा किया कि उनकी मुलाकात महर्षि मातंग से हुई, मगर दुनिया ने महावतार बाबा जी के बारे में सबसे पहले बड़े पैमाने पर तब जाना जब परमहंस योगानंद ने अपने द्वारा लिखी गई किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी दी। महर्षि मातंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वह काफ़ी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। मैं अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर महावतार बाबा जी का जीवन चरित्र आपके सामने रखूंगा। कहते हैं कि महर्षि मातंग का जन्म तमिलनाडु के पेरंगपेट्टई नामक स्थान पर हुआ था। ज़्यादातर लोग उनकी उम्र 2000 वर्ष के आसपास मानते हैं। मेरे समाधिस्थ गुरु डॉक्टर रमेश परमहंस के अनुसार उनकी आयु इस वक्त 2032 वर्ष के लगभग होनी चाहिए थी। महावतार बाबा जी आज भी 24 से 25 वर्ष के युवक की तरह नज़र आते हैं। स्नोई वाइट कॉम्प्लेक्शन, कंधे तक लंबे बाल और बहुत ही शार्प फीचर्स। कहते हैं कि जब वे पद्मासन में बैठते हैं तो उनकी लंबाई करीब 5 फीट के आसपास होती है। वे ज़्यादातर समय समाधि में लीन रहते हैं या फिर उन्नत साधकों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। महावतार बाबा जी का बचपन जिस गांव में बीता वहां पर उनको नागराज के नाम से जानते थे। कहते हैं कि बचपन में उनके घर पर कुछ फल रखे हुए थे और उन्होंने अपनी माँ से पूछे बिना एक फल खा लिया। जब उनकी माँ घर आई तो इस बात से वे इतनी क्रोधित हो गईं कि उन्होंने नागराज के मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया, जिसके कारण वे लगभग मरते मरते बचे। और उसी दिन से उन्हें सांसारिक बंधनों से विरक्ति हो गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी माँ से प्रेम करना बंद कर दिया, मगर ये प्रेम अब वैश्विक स्तर का हो गया, व्यक्तिगत स्तर का नहीं रहा। इसी बीच में उनका अपहरण हो गया और उन्हें कोलकाता में एक सेवक के तौर पर बेच दिया गया। परंतु जिस व्यक्ति ने उनको खरीदा था एक गुलाम के तौर पर, वह बहुत ही दयालु था और उसने नागराज को आज़ाद कर दिया। वहां से आज़ाद होने के बाद में महावतार बाबा जी साधु संतों की टोलियों के साथ हो लिए और अनवरत अलग अलग जगहों की यात्रा करते रहे और साथ ही शास्त्रों का अध्ययन भी करते रहे। इसी बीच में उनकी मुलाकात संत बोगरनाथ जी से हुई और बोगरनाथ जी को अपना गुरु मानकर उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। इसी समय में उन्होंने बहुत ही कठिन साधना प्रारंभ कर दी और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। साधना में उनकी सफलता को देखते हुए बोगरनाथ जी ने उन्हें एडवाइस किया कि वे महर्षि अगस्त से दीक्षा लें। महर्षि अगस्त तक पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं था सिर्फ प्रार्थना के सिवा। महर्षि अब मातंग ने यह प्रण लिया कि वे या तो अगस्त्य जी से दीक्षा लेंगे या फिर प्राण त्याग देंगे, और इसी प्रण के साथ वे बहुत ही कठिन साधना में लग गए और निरंतर अगस्त्य जी से यह प्रार्थना करते रहे कि वे उनके सामने प्रकट हों और उन्हें दीक्षा दें।
बहुत सारे दिन बीत गए और महर्षि मातंग लगभग कोलैप्स होने की स्थिति तक पहुंच गए। उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु उनको कभी भी छू सकती है। परंतु इसी समय में प्रेमवश अगस्त्य मुनि उनके पास आए, उनको भोजन पानी दिया और उसके बाद उनको गुप्त साधना में दीक्षित किया। और यहाँ से महर्षि मातंग के जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई। महर्षि मातंग ने अखंड साधना प्रारंभ की और क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, जो कि अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया गया था, उसकी लगातार इंटेंस प्रैक्टिस की और 18 महीने में इस क्रिया के माध्यम से उन्होंने सौरभ समाधि को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने जीवन और मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया और हमेशा के लिए अमरता प्राप्त कर ली। आज महर्षि मातंग सिद्धा ट्रेडिशन के कस्टोडियन कहलाते हैं। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि समय समय पर महर्षि मातंग उन्नत साधकों के सामने प्रकट होते रहते हैं और उन्हें मार्ग दिखाते रहते हैं। हिमालय में मुख्यतः बद्रीनाथ क्षेत्र के आसपास रहते हैं वो ज़्यादातर लोग जिन्होंने महर्षि मातंग के दर्शन किए हैं। यह बताया है कि जो बद्रीनाथ का क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है, कंचनजंगा पर्वतमाला का, तिब्बत का, या जिस स्थान पर शंग्रीला शंभाला की उपस्थिति बताई गई है, यह पूरी बेल्ट है सिद्धों की। यहाँ पर बहुत ही उच्च कोटि के साधक और उन्नत साधकों की मौजूदगी है। इस परिक्षेत्र में ऐसी शक्तियों का वास बताया गया है जिनकी या तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या जिनका विवरण शास्त्रों में मिलता है। योगानंद जी ने संत राम गोपाल के बारे में लिखा है कि एक दिन लाहिड़ी महाशय प्रवचन दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने इशारे में राम गोपाल से कहा कि वे गंगा किनारे पहुंचे। जब वे गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक प्रकाश का गोला गंगा नदी के ऊपर से उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। और जब वो उनके पास पहुंचा तो वह महर्षि मातंग के रूप में परिवर्तित हो चुका था। इसी प्रकार से योगी सिद्धनाथ जी कहते हैं कि जब वे महर्षि मातंग की खोज में हिमालयास पर गए और उनकी ब्लेसिंग से उनको दर्शन भी हुए, तो वे कहते हैं कि ही अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, वे हवा से प्रकट हो गए। एक और भी उदाहरण है सूर्य योगी उमाशंकर का। वे कहते हैं कि हिमालय में अपने निवास के दौरान शाम के समय वो वॉकिंग मेडिटेशन करते थे 1-2 घंटे के लिए। वे उस वक्त टहल रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, तभी उनके सामने से एक प्रकाश का गोला निकला और थोड़ी दूर पर जाकर बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लगा। यह गोला लगातार वाइब्रेट होता रहा और उसके पश्चात उसी गोले में से महर्षि मातंग का अपीयरेंस हुआ, प्रकट हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि हिमालय बहुत ही रहस्यमयी जगह है और इसी रहस्यमयी स्थान पे एक रहस्यमयी आश्रम की उपस्थिति बताई गई है जो कि कंचनजंगा पर्वतमाला के आसपास है। इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत निवास करते हैं जिनकी उम्र सैकड़ों वर्षों में है। वे ज़्यादातर समाधि में लीन रहते हैं या फिर जो प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं अलग अलग प्रकार की साधनाओं के लिए, उन साधनाओं की वे प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं कि ये आश्रम 3D स्पेस में बना हुआ है। यहाँ पर पांडवों के समय के हथियार भी रखे हुए हैं जो कि महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे। और यहाँ पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं उसमें बहुत ही गहरी आध्यात्मिक विधियाँ लिखी हुई हैं जिनकी प्रैक्टिस समय समय पर यहाँ की जाती है। यहाँ के जो मुख्य प्रधान शिक्षक हैं वो महर्षि मातंग माने जाते हैं और वे सिर्फ उन्नत कोटि के साधकों को रास्ता दिखाते हैं। और ना सिर्फ इतना, वे समय समय पर उनकी मदद भी करते रहते हैं, उनके पास पहुंचते भी रहते हैं। कहते हैं कि इस आश्रम तक बिना यहाँ की कस्टोडियंस की मर्जी के कोई भी नहीं पहुंच सकता। सिर्फ हाईली स्पिरिचुअल एडवांस्ड बीइंग्स ही वहाँ पर पहुंच सकते हैं, वो भी तब जब उनका भाव प्रेमपूर्ण हो और ये विश्वास हो कि एक न एक दिन वे अवश्य यहाँ पहुंचेंगे। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब एक बच्चे जैसी फेथ के साथ हम
आध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सरल हो जाती हैं। एक खाली प्याला बच्चे की फेथ को प्रेजेंट करता है और एक भला हुआ प्याला एक व्यस्क की फेथ को। जब हमारा ये प्याला खाली होता है, जब हम रिसीव करने को तैयार होते हैं, जब हम आध्यात्म को विश्वास और प्रेम के स्तर पर जानने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे अंतःस्थल में गहराई से उतर जाता है। दुनियावी ज्ञान इसको जानने में हमारी कतई भी मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ आंतरिक ज्ञान है, ये सिर्फ आंतरिक प्रेम है जो आध्यात्म को हमारी रगों में पूरी तरह से उतार सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।